और सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अगस्त 21 में व्यक्त की जा रही थी, उसको उस समय रोक दिया गया। थर्ड वेव जब आई भी, तब तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया था। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बनी हुई वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और इस वैक्सीन का परिणाम है कि थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने अपने यहां अक्सर से लागू किया और हम लोगों ने नेशनल एवरेज से अच्छी संख्या में यहां पर वैक्सीन दिए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग 98% से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं। और अगर मैं जनपद वैक्सीन की डोज पूरे उसमें देखूं तो 25 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डोजेज हम लोगों ने प्रदेश में दी हैं और अकेले बिजनौर जनपद में लगभग 43 लाख 28 हजार वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। यहां पर जो फर्स्ट डोज दी गई है वो लगभग 97% लोगों को दी गई है और प्रदेश में हम लोग इस लक्ष्य को लगभग 98% तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड डोज जिन लोगों ने ली है 64% से अधिक लोगों ने बिजनौर में ले ली है और प्रदेश में लगभग 67% लोगों ने सेकेंड डोज भी ले ली है। 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 53% लोगों को बिजनौर जनपद में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में यह लगभग 61% है और प्रिकॉशन डोज जो 60 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए यहां पर 78% लोगों ने प्रिकॉशन डोज ली है। प्रदेश में लगभग 73% लोगों को इस वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। थर्ड वेव कैसे निष्प्रभावी हुआ है, वैक्सीनेशन उसका पहला उदाहरण है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो समयबद्ध ढंग से निगरानी समितियों को एक्टिव करके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है उसका भी परिणाम है। प्रदेश के अंदर अगर हम निगरानी समिति की स्थिति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 72,000 निगरानी समितियां इस कार्य में लगी हैं और बिजनौर जनपद में 1,500 से अधिक निगरानी समितियां पूरे जनपद में क्रियाशील हैं, जो मेडिसिन की किट बांट रही हैं, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम को वहां भेज करके उनका टेस्ट करवाना, ये कार्रवाई चल रही है और उसका परिणाम है कि कोविड के प्रभाव को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस देखने को मिल रही थी और इसीलिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में बड़ा सहयोग किया था। खासतौर पर उस समय ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई थी और उसका परिणाम रहा कि सेकेंड वेव को नियंत्रित करने के बाद ऑक्सीजन में हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे और चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में
जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और यही कारण है कि हॉस्पिटल में, जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं, तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं, और यहाँ बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस हैं तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस हैं उसमें से एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है, लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, ये नियंत्रण की स्थिति है। और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से भी अपील करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं, हाँ सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा ये भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का, वह सभी युवा वैक्सीन ले ले। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं, तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन मेरी सबसे अपील होगी, एक जब तक कोविड-19 है, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, वे घर के बाहर निकलने से थोड़ा बचे। जो बीमार हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, बाहर निकलने से बचें, सावधानी और सतर्कता रखें। कहीं निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगा करके निकलें, बिना मास्क के न निकलें। जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। यानी 15 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है, वे अपना वैक्सीन जरूर ले लें। प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने न केवल वैक्सीन की व्यवस्था की है बल्कि हर गरीब के लिए फ्री में अन्न योजना भी प्रारंभ की है। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को उपलब्ध भी कराया जा रहा है, एक बार केंद्र सरकार की ओर से, एक बार राज्य सरकार की ओर से। और इसलिए मेरा ये अपील होगा सबसे कि वे सावधानी और सतर्कता बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें। सामान्य लोग भी बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़भाड़ में जाने से बचें। और अगर कहीं कोई संदिग्ध स्थिति दिखती है, खांसी आ रही है, सर्दी जुखाम या उसे कोई फीवर की स्थिति है, अपने नज़दीक के केंद्रों में दिखाएं, ICCC को फोन करें, कोविड कंट्रोल सेंटर से आवश्यक सलाह लें, डॉक्टरों से आवश्यक सलाह लें। और अगर संक्रमण की स्थिति आती भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, घर में अगर होम आइसोलेशन की सुविधा है, अलग से सेपरेट रूम और टॉयलेट की व्यवस्था है, तो वे घर में रह सकते हैं। डॉक्टर अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहते हैं तो वे हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में सारी सुविधा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में भोजन, फ्री में सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं तो ICCC को इसके बारे में बताएं, वहां पर भी उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था हॉस्पिटल में या
L1 फैसिलिटी की जो सुविधा कोविड की हॉस्पिटल के रूप में की गई है वहां पर उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ लड़कर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का कार्य भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण किया है, थर्ड वेव पर भी अगले 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसीलिए आज जनपद बिजनौर के इस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आया था। यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन से जुड़ी हुई पूरी मशीनरी हर व्यक्ति को